हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका खरगोश पानी नहीं पीता तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, अगर आप खरगोश के बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं कि उसे पानी कैसे पिलाना है लेकिन कोई भी चीज़ आपके खरगोश के ऊपर काम नहीं कर रही, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट बताए जाएंगे जिससे आपका खरगोश पानी पिएगा ही, इस 99% वो पानी पिएगा। तो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले उसके पानी में एप्पल जूस मिला के उसे दे सकते हैं। ऐसा करने से खरगोश पानी पीते हैं। और आपको क्या करना है, पहले दिन जैसे 1 चम्मच एप्पल जूस मिलाना है, दूसरे दिन उसे घटा के 1/2 चम्मच कर देना है, फिर तीसरे दिन और कम, और धीरे 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 करके 5-6 दिन में पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। और इस प्रकार आपका खरगोश पानी पीने लगेगा। को अपने खरगोश को एप्पल जूस ट्रीट में ही देना है, क्योंकि एप्पल जूस रैबिट के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता क्योंकि ये मीठा होता है। इसीलिए आपको इसे कभी भी 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं मिलाना है और इसे आपको कम से कम देना है। और आप इसे 5-6 दिन में ख़त्म कर देंगे, यही आपके खरगोश के लिए अच्छा होगा। और अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते तो आप सेकेंड तरीका है वो इससे भी सरल है, आप वो भी कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपने बनी को रोज फ्लावर को उबाल के दे दें 1 मिनट। 1 मिनट उसे उबालें और उस अपने खरगोश को ठंडा करके दे दें तो वो तब भी खा लेगा। और फ्लावर सेफ है और इसे आप 1 हफ्ते से ज़्यादा दे सकते हैं, 15 डेज तक भी दे सकते हैं। और ये सेफ है, एप्पल की तुलना में ज़्यादा सेफ है रैबिट के लिए। आप चाहें तो एप्पल का जूस दे सकते हैं, नहीं तो आप उन्हें जैसे कि सनफ्लावर उबाल के दे दें, गेंदा का फूल उबाल के दे दें, लेकिन सबको 1 मिनट उबालना है और ठंडा करके अपने बनी को देना है। और इस प्रकार आप उसे भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं उबालना, तो आप ये भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा ही उबालें क्योंकि खरगोश थोड़ा सा ही पानी पीते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच या फिर बहुत कुछ खरगोश 5-6 चम्मच पानी पीते हैं, इससे ज़्यादा खरगोश पानी नहीं पीते। थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार पीते हैं खरगोश पानी। और थर्ड तरीका वो ये है कि अगर आप अपने खरगोश को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई घास खिलाएंगे तब भी आपका खरगोश पानी पिएगा, क्योंकि सूखी घास खाने से खरगोश को ज़्यादा प्यास लगती है। और ये भी एक तरीका है आपको अपने खरगोश का पानी पिलाने से। अगर ये सारे तरीके फेल हो चुके हैं तो आप अपने खरगोश को सिरिंज, जो इंजेक्शन आता है, उसकी निप हटा के उससे भी पानी पिला सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। और आपको 4 मैंने तरीके बताए खरगोश को कैसे पानी पिलाया जाता है। पहला एप्पल जूस, दूसरा है फूल उबाल के देना, और फूल उबालने में भी आपको जैसे कि उसे 1 ही मिनट उबाल के देना है और उसे ठंडा करके देना है। और एप्पल जूस की जगह पे आपको खीरे का जूस या वाटरमेलन कभी नहीं देना है, क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्स होने के बाद बहुत ही तगड़ा रिएक्शन करते हैं नेचुरल वाटर और वाटर मिलके, और इससे आपकी खरगोश की जान भी जा सकती है। इसीलिए उसमें खीरा और वो कभी भी मत मिलाइएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। और ये सब टिप्स फॉलो करने के बाद आपका खरगोश निश्चित रूप से पानी पिएगा ही।